यूपी तक की खबर का असर, छात्रों को मिला न्याय। यूपी के जौनपुर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है और 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में 12 मजदूर सवार थे। ये दुर्घटना तब हुई जब प्रयागराज से जौनपुर की तरफ आ रही एक रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गए। ये घटना रविवार देर रात लगभग 11:15 की है। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि जैसे ही टक्कर हुई 5 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और एक की जिला अस्पताल में हुई। रात्रि 11:15 के आसपास थाना सिकरारा अंतर्गत समाधगंज के पास एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें प्रयागराज से गोरखपुर की ओर एक रोडवेज बस आ रही थी, जिसने सामने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल, एम्बुलेंस और स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं और अन्य पुलिस की टीमें वहां तत्काल पहुंचकर राहत कार्य किया गया। घायलों को उपचार के लिए तत्काल भेजा गया और मौके से दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली और बस को सुरक्षित भेजा गया। जो मृत हुए हैं उनके परिजनों को सूचना देते हुए और उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलित है, अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसा सिकरारा थाना क्षेत्र के सामदगंज के पास हुआ। सभी मजदूर मकान की ढलाई कर लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल मजदूरों को जिला अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर अलीशापुर गांव के रहने वाले थे। हाल ही में कासगंज में भी 24 लोगों की मौत हुई थी। वहां भी ट्रैक्टर ट्रॉली के दुर्घटनाग्रस्त होने की एक घटना सामने आई थी, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई थी। कासगंज में 24 फरवरी की सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटकर तालाब में गिर गई थी, जिससे 7 बच्चों समेत 24 लोगों की मौत हुई थी। यह हादसा पटियाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पटियाली दरियावगंज मार्ग पर हुआ था। जब ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर लोग गंगा नदी में स्नान करने जा रहे थे, उस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली 7-8 फुट गहरे तालाब में गिर गई थी। ट्रैक्टर चालक दूसरे वाहन से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से यह हादसा हुआ था और उस हादसे में लगभग 15-20 लोग घायल भी हुए थे। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।